मेरा नाम है शुभम। स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल टेक बी शुभम में। दोस्तों, आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट ब्लॉगर पे कैसे डेवलप कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि मैं इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा एफिलिएट कर सको, कर के आप पैसे अर्न कर सको, या आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, या आपका छोटा सा बिजनेस है कोई तो आप बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ताकि आपको ये बेटर वेबसाइट बनाने के बारे में सीख सकते हो, ठीक है। इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो और डाल चुका हूँ इसी वेबसाइट को बनाने से रिलेटेड, कि इसका टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारी चीज़ें। डोंट वरी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर भी इसी में बता दे रहा हूँ कि अगर आपने टेम्पलेट डाउनलोड नहीं किया है, आपको जाना है गूगल में, सर्च करना है techbizshubham.com, या आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आना है। ये हमारे वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर ब्लॉगिंग टेम्पलेट 2020 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन होगा, जहाँ पे आपका बहुत सारी ई कॉमर्स का टेम्पलेट है, ठीक है। ये सारी टेम्पलेट है, तो जो भी टेम्पलेट आप यूज करना चाहोगे तो आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं अभी आपको ये वाली टेम्पलेट को कस्टमाइज करके बताऊंगा कि किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस वाले साइट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मैं अपने चैनल पे यूट्यूब पे जो भी सारी वीडियो है, सभी से डिफरेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने के मिलेगा, ताकि जो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट चैनल होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं, अगर आप इस तरह की वेबसाइट भी बनाना चाहते हो, ये भी मेरी साइट है, तो अगर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में नहीं बनेगा। ये मेरा वर्डप्रेस का साइट है, वर्डप्रेस पे मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें कुछ एक दो प्लगइन बाय करने होते हैं, तो कहाँ से बाय कर सकते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप इस तरह से वेबसाइट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो चलिए पहले जो पॉइंट पर बात कर रहा हूँ वो पॉइंट की बात करते हैं, ये वाली साइट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ तक आपको, आपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में आपको हाउ टू कैसे क्रिएट कर सकते हो ब्लॉगर पे ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन आया था, उसके बाद मैं इसका एसईओ क्रिएट किया हुआ था, तो एसईओ वाले वीडियो देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। बाकी टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता दिया हूँ, वहाँ से जाकर टेम्पलेट डाउनलोड करके अपलोड कर लीजिएगा। बाकी अमेजोन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो अमेजोन वाली वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप अमेजोन के एफिलिएट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा मैं क्रिएट करके आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी का आपको कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है लेआउट के ऑप्शन पे, लेआउट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको लेआउट के ऑप्शन पे जाइए। लेआउट के ऑप्शन पे जब जाएंगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज चेंज करना है, कैसे क्या करना है ये जान लेते हैं। यहाँ एडिट करने से पहले मैं अपना जो ब्लॉग है कैसा दिख रहा है पहले से, वो मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग दिखने लगेगा, कि मेरा पहले जो साइट है वो इस टाइप का है, ये ओपन हो रहा है, इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो इसी में हमको एडिट करना है, कैसे क्या करना है वो हर एक चीज़ जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको टॉप मेन्यू को कैसे एडिट कर सकते हो, टॉप मेन्यू को कैसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो टॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आइए चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, तो इसको कैसे ऐड करना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमाइज करना है, तो आपको एडिट पे, इसको एडिट मैंने किया हूँ तो यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे होम वाले पर क्लिक करना है, होम में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको होम वाले पर सिंपल रखना है। अबाउट के पेज में देखते हैं कोई लिंक दिया हुआ है क्या, बिल्कुल
यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिंक होगा, इसको हटाना है और सेव चेंज, यहाँ पे कुछ भी सिंबल डालिए, हैशटैग डाल दीजिए पहले, हैश डालकर और सेव कर दीजिए। क्योंकि हैज में इसलिए डालूँ ताकि इसमें लिंक डालूंगा जो पेज क्रिएट करूँगा पहले, कि कॉन्टेक्ट अस के पेज कैसे क्रिएट होगा ये सारा चीज़ें। इसको हटाइए, हैच अपलोड कीजिए, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव कर दीजिए, क्योंकि अगर पहले से अगर यहाँ पे अगर लिंक होगा तो इसे अगर यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो जो टम्पलेट है उस टम्पलेट ओपन होगा, तो बट मैंने हैच डाल दिया है तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, मेरे ही साइट पे रहेगा, ठीक है, दूसरे साइट पर रिमूव नहीं होगा। तो ये आपको कर देना है। उसके बाद आता है मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, देखिए ये वाली कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसको चेक चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए क्या क्या चीज़ शो कर रहा है, सपोर्ट एट द soyacart.com, उसके बाद नंबर है, उसके बाद ये चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ है, ये वाली कैसे एडिट करते हैं इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं support@soya.com, ये चीज़ इसको चेंज पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे ये वाली साइट खुल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ये चीज़, तो आपको ये सारी चीज़ें, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा नाम आपको soyacart.com नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन मेरा जो है साइट है एक, वो डाल देता हूँ, ठीक है, support@onlinebazaar.co.in, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, कोई भी ईमेल आईडी, mail@xyz.com नहीं है तो यहाँ पे हमको डालते हैं URL कोई भी मेल का, तो मेल के लिए मैं डाल देता हूँ शुभम कुमार 7400@gmail.com। वहाँ पे क्लिक करके कोई भी मेल करेगा तो वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा मेल, ठीक है। एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए करने के बाद यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर आप डालना चाहते हो वो आप डालकर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ़ोन का URL नहीं होता तो URL कुछ डालना नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ कोई भी, ठीक है, अपने मन से डालता हूँ, तो आपको ये कोई करेक्ट नंबर नहीं है, अपने मन से देखिए कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि इसको मैं बाद में चेंज करूँगा। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर को आप चेंज कर लीजिए, मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। स्लिप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, देखिए मेरे दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे चेंज हो चुकी होगी, तो यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पे शो करने लगेगा, जो आपने एडिट किया हुआ है वो सारी चीज़ें शो करने लगेगा, देखिए यहाँ पे शो करने लगा support@onlinebazaar.co.in, उसके बाद यहाँ पे ये शो करने का, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करने लगा, और यहाँ पे अगर कोई क्लिक करते तो हैच टैग आएगा, ना कि वो आएगा, देखिए कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे हैच आने लगा, इस पे भी क्लिक कीजिए हैच आएगा, क्योंकि ये दूसरे पे रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, अब चलते हैं दूसरा चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ब्लॉग लोगो चेंज करना है, तो मैं लोगो अपलोड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ई कॉमर्स साइट है, ये लोगो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इस लोगो को पहले रिमूव कीजिए। लोगो को रिमूव करने के बाद यहाँ से लोगो अपलोड करते हैं, तो मैं अपने साइट के लिए एक लोगो बनाकर रखा हूँ पहले से। आप लोगो नहीं बनाए रखे हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, या आप लोगो खुद से क्रिएट कर सकते हो। लोगो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। चलिए मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली लोगो है मेरा। लोगो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, आ गया। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए, जैसे सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जब चेक कीजिएगा तो ये वाली चीज़ हट जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका ये हटा या नहीं हटा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, ये ऑनलाइन बाज़ार आ गया है, ठीक है, ये ऑनलाइन बाज़ार आ गया। तो अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको भी छोटा कर लूँगा, पहले आप दूसरा चीज़ चेंज कर लेते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सोशल मीडिया का, ये सोशल मीडिया वाला है, इसको आइकन को कैसे चेंज करते हैं इस आइकन को जान लेते हैं। यहाँ पे टॉप सोशल विजिट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर देखिए ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, RSS है, ईमेल है, यूट्यूब है, पिंगस्टेन है। हमें पिंगस्टेन नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद RSS नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। हमें चाहिए सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और इसके अंदर बहुत सारे लिंक मिलेगा, तो लिंक को आपको डिलीट कर देना है। चेंज चेक कर लीजिए, कोई लिंक होगा तो आप डिलीट कर दीजिएगा, और अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अपना का लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें चेंज हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको रिफ्रेश करके बताते दिखाते जाऊंगा कि हाँ चेंज क्या क्या चीज़ चेंज हुई, क्या क्या चीज़ नहीं। देखिए मैंने तीन चीज़ रखा है, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और यूट्यूब, ये तीन चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट जानते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वर्टिकल आइकन मेन्यू, वर्टिकल आइकन मेन्यू है। तो यहाँ पे चेक करते हैं वर्टिकल आइकन मेन्यू जो यहाँ पे है, इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल एडिट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, हेल्थ केयर, कैमरा, बुक एंड स्पोर्ट्स, मोटर बाइक, कार, टूल, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो जो ये साइड में शो कर रहा है ना, कैटेगोरी, ऑल कैटेगोरीज, यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें जो जो चीज़ हम जिस पर्पस से वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो कैटेगोरी आपको डालना है, वो कैटेगोरी के लिंक डालने हैं। हेल्थ केयर चाहिए, हमें हेल्थ केयर नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे चाहिए हेडफोन, डाल दीजिए हेडफोन। हेडफोन डालिए, सेव कीजिए, ठीक है। कैमरा चाहिए, बुक चाहिए, ये नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। स्पोर्ट्स की चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, मोटर बाइक भी नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, टूल भी नहीं चाहिए। सपोर्टेड आपने बहुत सारे डिलीट कर चुका है, बट फिर भी आपको बनाना है तो हमें बना लेते हैं। यहाँ से फैशन चाहिए मेरे को, फैशन, फैशन पे क्लिक करने के बाद ऐड लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फैशन आ जाएगा ऊपर। उसके बाद इसको ऊपर कर लीजिए, जो भी आपको ऊपर रखना चाहते हैं। उसके बाद बुक के, ये मेरे चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये वाली चेंज हो जाएगी। मैं एक बार ही रेफ्रेश करके बताऊँगा, क्योंकि रेफ्रेश करने से टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्टिकल आइकन मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद चेंज करने का आता है स्लाइडर विगेड, जो स्लाइडर विगेड है उसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइडर विगेड, हाँ ये वाली जो स्लाइडर विगेड है ना, इसे, ये आसपास स्लाइडर हो रहा है, इसे चेंज करना, इसे देखना है कि कैसे बनता है, ठीक है। तो HTML स्लाइडर विगेड में आपको HTML पर एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको 6 दिखानी है, 7 दिखानी है, जितना नंबर ऑफ डाटा दिखानी है वहाँ पे सेव करना है। मेरे को 6 ही दिखानी है, तो 6 ही पर क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे HTML का जो कोडिंग किया हुआ है, इसे छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको करना क्या है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे क्लिक कीजिए। एडिट करते हैं, देखते हैं क्या है, ये सारी चीज़ें कितने स्मार्टफोन दिखाने हैं आपको। एक लाइन में देखिए यहाँ पे जो साइट है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्लाइडर है, स्मार्टफोन है, एक पेज में कितने स्मार्टफोन दिखाना है, तो 4 ही दिखाना है, तो 4 यहाँ पे जो सिलेक्ट है उसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे जो यूज की चीज़ें, स्मार्टफोन हम देते हैं, स्मार्टफोन रहने देंगे, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन रहने देते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं चाहिए, हम इसको वॉच लिखना चाहते हैं, ओनली वॉच। तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट वॉच की जगह पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्मार्ट वॉच की जगह पर, आप सीधे वॉच यहाँ पे एडिट कर दीजिए, स्मार्ट वॉच की जगह पे वॉच लिखिए,
और चार को चाहिए तो इस सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, लैपटॉप आप सेल करते हो, बिल्कुल लैपटॉप हमें हमारे वेबसाइट पर रखना है तो लैपटॉप को रहने देते हैं। उस ये सारी चीज़ें हैं देखिए, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट भी डालकर बताऊंगा, तो ये लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप चाहिए। उसके बाद आता है रेंडम प्रोडक्ट, कोई रेंडम प्रोडक्ट सपोर्टेड आपके जो भी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, आप जिस वेबसाइट पर्पज़ से बना रहे हो उसको नहीं रखना है, बट अगर आपको मे बी अगर रखना चाहते हो कोई भी अदर चीज़ तो आप उसे रख सकते हो रेंडम प्रोडक्ट के, जो आपके कैटेगोरी में नहीं होगा वो वाली चीज़ें यहाँ पे आएगी, तो इसको भी रखना ही हमें, तो इसे रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है मेरा, ठीक है, ये आता है कैटेगोरी का, तो कैटेगोरी यहाँ से चेंज कर लीजिए, जो भी कैटेगोरी आप चेंज कर, एडिट पे क्लिक कीजिए, कैटेगोरी आप कितने शो करना चाहते हो वो चीज़ है, तो यहाँ पे कर सकते हो, ये सिंपली चीज़ है जो भी एडिट। उसके बाद पोस्ट पे आपको क्लिक कीजिए, पहले देख लेते हैं पोस्ट में क्या है, पोस्ट पे क्लिक कीजिए, ये पोस्ट पे जो भी चीज़ है, सात अगर आप मेन पेज पे सात शो करना चाहते हो, 22 शो करना चाहते हो, ये देखिए मैं यहाँ पे मेन चीज़ है क्या क्या चीज़ शो करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें, डेट आपको शो करना है, मेरे को डेट नहीं शो करना है, बाई टेक भी शुभम नहीं शो करना है, ठीक है, ऐट भी नहीं शो करना है, कमेंट पाँच को चाहिए, पाँच हम रखेंगे, लेवल हमको चाहिए, लेवल रहने देते हैं, उसके बाद शो क्विक एडिटिंग भी चाहिए मेरे को, साथ में जो चीज़ चाहिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये ब्लॉग के हो गए, कैटेगरी रिसेंट रिव्यू पे क्लिक कीजिए, तो ये वाली रिसेंट कमेंट जो आएगी स्पैन में, ये रिसेंट रिव्यू जो भी आएगी यहाँ पे शो होगा, पॉपुलर आइटम पे क्लिक कीजिए, तो आप चाहते हो कि जो पॉपुलर आइटम है सपोर्टर, यहाँ चेक कर लेते हैं कहाँ पे शो कर रहा है पॉपुलर आइटम, ठीक है, लेटेस्ट प्रोडक्ट है ये पॉपुलर प्रोडक्ट है ना, जो पॉपुलर प्रोडक्ट अगर आपका शो करता है तो उसमें आपको चाहिए क्या, आप इमेज सेलेक्ट कर रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, जो चीज़ तो यहाँ पे आप चाहिए तो सेलेक्ट करिए, क्योंकि इमेज भी चाहिए ही तो आप रखिए। और पॉपुलर आइटम आपको कितने दिन तक चाहिए, लास्ट ईयर में चाहिए, लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेज, जो भी है मैं लास्ट 7 डेज रख लेता हूँ, और सेव कर दीजिए। उसका सर्च दिस ब्लॉग, आपका सर्च का आइकन होगा, उसका ब्लॉग आर्चिव रिपोर्ट का होगा, पेजेस का होगा, पेजेस यहाँ पे जाना है, पेजेस किस तरह के चाहिए, होम चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए जो भी चीज़, क्योंकि सेम टू सेम चाहिए ना, तो सिंपल सा है, अबाउट मी का ऑप्शन है, ये सारे चीज़ें हैं। पॉपुलर प्रोडक्ट आपको कितने दिनों के तक का होना चाहिए, तो वो मैं देख लेते हैं। पॉपुलर प्रोडक्ट देखिए, पॉपुलर प्रोडक्ट ऑल टाइम की चाहिए नहीं, हमें लास्ट 30 डेज का चाहिए, लास्ट 30 डेज में कोई भी चाहिए, तो लास्ट 30 डेज का मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ईमेल सब्सक्रिप्शन अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिए करेंगे आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप जो है फीड वाला जो ऑप्शन आता है फीड, वो सेलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिएगा, जो फीड का ऑप्शन आता है यहाँ से आप, क्योंकि आपको कोई ये ऑप्शन अगर डाल लेते हो तो कोई भी आपको वेबसाइट पर ईमेल आईडी डालता है तो ईमेल आईडी आपके पास आ जाता है, डिस्क्रिप्शन लिंक होता है एक साइट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख रहा हूँ जो भी चीज़ें सेम ही है पॉपुलर प्रोडक्ट के बाद, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले दो चार पोस्ट अपलोड कर लेते हैं, पहले पोस्ट अपलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से सेटलमेंट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ है ही नहीं। उसके ये सारी चीज़ एडिटिंग करने के बाद उसका सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर दीजिए, पहले तब बात कर लेते हैं कुछ पोस्ट बना डाल लेते हैं वेबसाइट पे। कुछ पोस्ट डालने के लिए आपको पोस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट ए न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट ए न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं पोस्ट कहाँ से लाना है, क्योंकि पोस्ट भी आपको लाना होगा ना, क्योंकि हमें तो एडसेंस का अप्रूवल लेना नहीं है, बट अगर लेना भी चाहते हो तो उसका भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पोस्ट डालोगे से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट में डालने के लिए पहले मैं पोस्ट अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि हम कैसे आपको बनाना है। ठीक है, चलिए जानते हैं पोस्ट डालते कैसे हैं। तो ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको एकदम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पोस्ट डालने में अगर थोड़ा भी मिस करोगे तो वेबसाइट का जो बना बनाया चीज़ है वो सारा चीज़ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना नहीं है, तो आपको पूरी देखनी है। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले मैं एक अमेजोन का प्रोडक्ट उठाकर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि कैसे है। तो अमेजोन का प्रोडक्ट ये वॉच हमको डालना है, तो ये वॉच पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये टाइटल जो है, इस टाइटल को कॉपी कीजिए, ठीक है, इस टाइटल को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने इस वाले में, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यही चीज़ जो है, यही चीज़ हमको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। साथ में हमें एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे पिक्चर भी होनी चाहिए, तो पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिएगा। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपने डाउनलोड करके रखा है, रखे हुए हैं आपने, उससे आपको सेलेक्ट करना है। सपोर्टेड ये मेरा यहाँ पे है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोड हो जाने के बाद इसे हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ऐड ऐड सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर डालने हैं, तो इसके फीचर डालने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वाली फ़ीचर को उठाइएगा, ठीक है। ये वाली फ़ीचर बता रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसी को करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को आपको यहाँ से कॉपी करना है, पूरे को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेस्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अगर आपने यहाँ पे, मैं जो भी चीज़ रॉन्ग चीज़ है इसको मैं एडिट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हाँ, इसको मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है, वहाँ पे कॉपी करके डाल देना है। साथ में आपको करना क्या है, प्राइज डालने के लिए, ठीक है, आपको प्राइज डालने के लिए मैं बता देता हूँ करना क्या है। प्राइज आपको डालना है यहाँ पे, प्राइस पहले लेवल है, ठीक है। तो आपको लेवल में आपको मैं वॉच डालता हूँ, वॉच डालिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्राइस, प्राइस प्राइस डालने के बाद अंडर स्कोप आपको करना है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करना है, अंडर स्कोप करना है। उसके बाद हमें डॉलर में चाहिए, डॉलर मैंने डाल दिया, ठीक है। ये सपोज ये $10 की वॉच है, $10 मैंने डाल दिया, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि नहीं, इस पे अगर डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो वो कैसे डाल सकता हूँ। सपोर्टेड ये $10 का है प्रोडक्ट, ठीक है, बट मैं सोचता हूँ कि इस पे मैं 20% या 30% का डिस्काउंट दिखा सकूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखिए ये 30% डिस्काउंट दिखा रहा है, ये 75% डिस्काउंट दिखा रहा है, तो ये वाले डिस्काउंट आप कैसे दिखा सकते हो ये जानना है, ठीक है। ये मैं प्राइस डाल दिया हूँ, प्राइस में यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो यहाँ से कॉपी करके डालते हैं, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद अंडर स्कोप होकर वो वाली चीज़ कैसे डाल सकते हो डिस्काउंट वाली, वो जान लेते हैं, ठीक है। ऑफ़ के रिगार्डिंग अब वो करना क्या है, ये सारी चीज़ तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना है, कॉमा देने के बाद साइड में आना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑफ ऑफ एट द रेट, ठीक है, माइनस 10% 20% जो भी चाहिए, हमें 10% देना है, तो 10% यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप नॉर्मली जो ब्लॉग में पोस्ट डालते हो उसका पोस्ट डालने का तरीका अलग होता है, इसका तरीका अलग है, ठीक है। उसके यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन आता है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन में हमको डालना क्या है, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे शो होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये वाली सिलेक्ट करते हैं, जो छोटा चीज़ है, जो कस्टमर अगर प्रोडक्ट देखता है तो सबसे पहले क्या चीज़ देखना चाहते हैं वो चीज़ दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसे सेव पेस्ट कीजिए, उसके बाद डन पे क्लिक कीजिए। जब डन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका ये सेव पे क्लिक कर देते हैं, पब्लिश पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक की करने के बाद आप देखते हैं कि मेरा ये वाला पोस्ट जो डाला हूँ ये पोस्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो व्यू पोस्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आइए ओपन हो जाता है, देखते हैं क्या कहाँ कैसे क्या शो कर रहा है। ये वाली पोस्ट ओपन हो रहा है मेरा, जहाँ पे कुछ दिक्कत होगा उसमें सही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, देखिए
ये जो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो ब्रांड था, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे तो आ गई, ये वाली ये चीज़ यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे रिसेंट मोमेंट, बट मेरा जो प्राइज मैंने दे रखा था ना, ये वाली प्राइज, ये यहाँ पे शो कर दिया कुछ कोड एरर की वजह से। देखिए थोड़ा सा एरर होता है तो वहाँ पे शो करने लगता है। देखिए जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे एक चीज़ और भी आ रहा है, तो इसे भी हमको हटाना है। कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ये प्राइस गलत डला गया, तो इसको सही करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले उसके बाद आपको लेवल में जाने के बाद किस तरह से टाइप करना है, ठीक है। तो वो जो एरर आ रहा था, तो उस एरर के लिए आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे लिखा पड़ा है ना, इस तरह से अगर आप कोई भी थोड़ा सा भी एरर अगर आप इधर उधर लिखते हो, थोड़ा भी अगर मिस्टेक होता है, तो वहाँ पे शो करना बंद हो जाता है। अब बता देता हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका है क्या। आपको दो लेवल लिखना होगा, जैसे कि मेरा वॉच है तो मैं दो चीज़ लिख लिया, वॉच और लैपटॉप लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने जो भी बताया है कि कैसे करना, उसके बाद आपको प्राइस अंडर स्कोप डॉलर, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना। डन के क्लिक करने के बाद जब आप रिफ्रेश करोगे, अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद आप व्यू ब्लॉग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, एक अच्छा सा ब्लॉग आप देख पाओगे। आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको ओपन हो जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे ओपन हो जाने लगा, साथ में यहाँ पे प्राइस में भी प्राइस आ गया $10, ठीक है। डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट आ गया, ये मेरा $10 का घर वॉच है, और डिस्काउंट 10% का भी दे दिया। जो लेबल दो मैंने डाला था, लैपटॉप और वॉच, वो इस तरह से आ जाएगा। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना क्या है, यहाँ पे बहुत सारी एरर आती है, यहाँ पे हमारे साथ भी, मैं खुद लाइव आपको सिखा रहा था, उस बीच में भी मेरे पास एरर आ गया था, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। इसीलिए आप इसे देख लीजिए या नोट कर लीजिए करना कैसे है, उसके बाद इसे आप इस तरह से आप लिखिएगा, नहीं तो ये प्राइस जो है ना वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये अपने अपडेट कर दिया है। तो अब बात करते हैं कुछ अलग सा चेंजअप करते हैं। चेंजअप से क्या है कि जी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि आप सपोर्ट, मैं इसे ऐड टू कार्ड करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट एडेड इन द कार्ड यहाँ पे शो कर दिया। देखिए यहाँ पे कार्ड पे शो कर दिया। व्यू कार्ड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा कार्ड, देखिए व्यू कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये बता रहा है क्या, सो मैं देखता हूँ। 404 एरर आ रहा है, ठीक है, 404 एरर आ रहा है। तो इसे कैसे सोल्व करना है ये भी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब चेकआउट पे क्लिक करते हैं, चेकआउट पे हमारा कस्टमर कोई क्लिक करता है, तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ही आपका ये सेम एरर आ रहा है, दोनों पे सेम एरर आ रहा है। तो इस एरर को कैसे सोल्व करना है इसको जान लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉगर में जाना है, पेजेस पे जाना है। पेजेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन क्लिक करना है, कार्ड जो है ना यहाँ पे लिखना है कार्ड। आप चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और डोंट अलाउ पे क्लिक कर देना है, ये चेक कर लीजिए डोंट अलाउ, ठीक है। डन पे क्लिक कीजिए, डन पे क्लिक करने के बाद इसके बाद पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। कार्ड पे क्लिक कीजिए, डन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जब इसे व्यू करोगे ना आप, तो आपको कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा। देखिए क्या शो कर रहा है व्यू पे क्लिक करने के बाद, ये प्रोडक्ट ऐसा शो करने लगेगा। सिर्फ इतना कर देने पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा तो फिर से 404 का एरर आएगा। तो मैं चेकआउट को कैसे ठीक कर सकता हूँ वो जान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पहले चेकआउट के लिए भी सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से आपको करना है। न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है चेकआउट, चेकआउट लिख दीजिए। यहाँ पे स्पेलिंग का जो है ना थोड़ा भी मिस, जब चेकआउट के लिए क्या करना है, सबसे पहले फिर से सेम प्रोसीजर, न्यू
पेज क्रिएट करना है, उसके बाद आपको आना है चेकआउट पे, चेकआउट लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी मैं स्पेलिंग मिस्टेक होगा फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे भी डोंट अलाउ कर देना है, डोंट अलाउ डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद इसको चेकआउट को देख लेते हैं। तो चेकआउट को जब देखोगे, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक तरह का ऑप्शन शो करेगा। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। ये चेकआउट का ऑप्शन शो कर रहा है, चेकआउट का बन गया, ठीक है। बट थोड़ा सा कुछ एरर हमें लग रहा है कि एरर आया होगा, तो उसे जानते हैं क्या है। प्रोसीड टू चेकआउट करके देखते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं तो क्या ऑप्शन आ रहा है। हाँ, चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट में फिर से भी जो है ना हमारा यही एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरर आ रहा है इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में, स्पेलिंग मिस्टेक है इस वजह से आ रहा है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आपका सॉल्व होगा वो बता दे रहा हूँ। देखिए, चेकआउट का जो एरर आता है इसलिए, जैसे कि आपको सिर्फ पेज टाइटल पर जाना है, चेकआउट यहाँ पर एंटर करना है, और ये वाली जो पेज है ना इस पर कुछ लिखना नहीं है। अगर थोड़ा भी लिखोगे दिक्कत आ जाएगी, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ वहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कीजिए। अगर आप सपोर्टेड यहाँ पे कुछ लिख देते हो तो आप उस पेज को डिलीट कीजिए, न्यूज़ फिर से पेज क्रिएट कर लीजिएगा। ऑप्शन में जाइए, डोंट अलाउ कीजिए, डन करके देखिए, पब्लिश करके देखते हैं अब हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट, एक तो फ्री में बना रहे हैं, फ्री में तो ऐसे बनता नहीं है, फ्री में बना रहे, बट तो इसीलिए आपको केयरफुली होकर देखना होगा, जानना होगा कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके अब देखते हैं अब क्या कंडीशन है, अब तो ठीक हुआ या नहीं हुआ, फिर अभी भी कुछ एरर होगा, नहीं अभी ठीक हो गया। देखिए, क्योंकि मैंने अभी ठीक किया तो बिलिंग डिटेल्स आपका आ गया। तो बिलिंग डिटेल्स में क्या करेगा, कोई भी बंदा अगर सर्च करता है तो यहाँ पे नाम अपना डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, वहाँ पे उसके बाद उसको डालना है फ़ोन नंबर, फ़ोन एड्रेस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अपना एड्रेस डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, ये चीज़, इसको तीन को चीज़ आपको डालना है। जब वो डालेगा तो वो चीज़ हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो उसमें घबराने के बाद उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर जब क्लिक करेगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट पर जब क्लिक करता है तो आपका यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन आने लगा, ठीक है। तो अगर कोई भी यहाँ पे आपका लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद अपना पेपाल अकाउंट से पे कर देगा, बट ये पेमेंट हमारे पास कैसे आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कैसे हमारे पास आएगी। तो इसको एडिट कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना, थीम पर क्लिक करना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडिट HTML में, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रेफ्रेश वेट कर लेते हैं। एडिट HTML पे जाना है, एडिट HTML पे जाइएगा, उसके बाद आप कोई भी कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कंट्रोल F प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको डालना है पेपाल डाल के एक बार एंटर कर दीजिए। जब एंटर करोगे तो आप जब देखोगे यहाँ पे एक पेपाल का शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेपाल शो कर रहा है, पेपाल शो करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आपको चेंजअप करना है अपना ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी पेपाल का अकाउंट बनता है वो ईमेल आईडी से बनता है। अगर आपको पेपाल का अकाउंट आपने नहीं बनाया है, क्योंकि पेमेंट जो आपका रिसीव होगा, पेमेंट पेपाल अकाउंट में ही रिसीव होगा, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए पेपाल अकाउंट कैसे बनाते हो, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो पेपाल का अकाउंट है, जिस ईमेल आईडी से है, मैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद सेव थीम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव थीम पे क्लिक करेंगे, ये मेरा अपडेट हो जाएगा, और वहाँ से कोई भी अपना पेपाल से लॉगिन करके हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तो हमारे पास उसका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो पेमेंट कर देगा, हमारे पास पेमेंट आ जाएगी। जब हमारे पास पेमेंट आ जाएगी, हम अपने प्रोडक्ट को जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड कराया होगा उस एड्रेस पर उसको मैं पहुंचवा दूंगी। तो ये जो वाले चेकआउट का मैंने पेज क्रिएट किया हुआ था, तो इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये जो आया हुआ था 404, ये ठीक हुआ या नहीं हुआ है। तो मैंने पहले बता दिया ठीक हो चुका है, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी एरर होना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मेन पेज है, इस मेन पेज पे क्या सीन है, कहाँ पे शो कर रहा है, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मेन पेज को रिफ़्रेश किया, मेन पेज को रिफ़्रेश करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाली शो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप में शो कर रहा है और लेटेस्ट प्रोडक्ट में शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा केयरफुली होकर देखना है कि प्रोडक्ट कहाँ पे डालने हैं, कैसे डालने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, एक तरह से मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको कि प्रोडक्ट डलता कैसे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे देखिए, शॉप नाउ का ऑप्शन आ गया। शॉप नाउ के ऑप्शन पे कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद सेम प्रोसीजर उसको फॉलो करना होगा, जैसे हर एक वेबसाइट का होता है। तो इससे बेटर क्या है, अगर आपको छोटा मोटा दुकान है या कोई भी सामान आपके पास है, आप बेचना चाहते हो, तो इस तरह से वेबसाइट बनाइए, उसके बाद बेच दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं, एक चीज़ इसमें बच चुका है, ये बचा हुआ है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हेड टॉप पे जो शो कर रहा है ये वाली चीज़ें, इसको तो मैंने चेंज किया ही नहीं। यहाँ पे शो कर रहा फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें। तो इसको चेंज कैसे करना है, कैसे एडिट करना है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है डाउनलोड दिस थीम, तो आपको सिर्फ यहीं पे आना है, ये जो HTML वाले हैं सेम आना है। सर्च कंट्रोल F कर दीजिएगा, यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड, सर्च कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये वाली जो शो कर रहा है, इसमें से कोई सा भी, सिर्फ होम को छोड़कर कोई सा भी उठाइए, उसको यहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सर्च करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, डाउनलोड दिस थीम, डाउनलोड दिस टेम्पलेट। दैट मीन्स यहाँ पे भी लिख रहा है डाउनलोड दिस टेम्पलेट, यानी कि ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से चेक करें, देखो तो यहाँ पे हमें जो जो चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें तो डाउनलोड किसी चीज़ करवाना नहीं है, बट हाँ एक इसको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दीजिए, चाहिए तो रखिए, बट नहीं जब ऑप्शन दिया है तो इसको यूज कर लेते हैं। आपको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डाउनलोड टम्पलेट, जो डाउनलोड टम्पलेट है ना, सपोर्ट एट, फिर से यहाँ पे बैक हो चुका है, चेक कर लेते हैं। डाउनलोड दिस टम्पलेट नहीं, यहाँ पे अगर इसका प्रीमियम, अगर कोई अगर चेक कर प्रीमियम थीम अगर कोई यूज करना चाहेगा तो यूज कर सकता है। इससे हम यहाँ पे बाय डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए, तो बाय दिस थीम डाल देते हैं। उसके बाद ये वाली ऑप्शन है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से ऐसे करोगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जिस तरह से बनाना चाहते हो बना सकते हो। स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें रहने देते हैं। उसके बाद हमको सेम थीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेम थीम पे क्लिक करेंगे, आपको अपडेट हो जाता है, थोड़ा सा समय लग रहा था, हो गया थीम से। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, ये वाली मेन पेज पे, उसके बाद रेफ्रेश कर देना है। जैसे आप रेफ्रेश करोगे, यहाँ पे देखिए YouTube आ गया, बट इससे तो मैंने चेंज किया ही नहीं, बाय दिस टेम्पलेट, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। वीडियो वाले जो आ रहे, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ वीडियो, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ और वीडियो रहने देता हूँ सिर्फ ओनली, क्योंकि कोई अगर वीडियो अपना YouTube, आप देख लीजिए, आप अपने अनुकूल जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हो, जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि आप अगर अच्छा खासा बनाना चाहते हो ना, तो इस तरह के वेबसाइट तो मैं रिकमेंड करूँगा, ऑनलाइन बनाइए। तो अगर आप बनाना ही चाहते हो अच्छे खासे ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वर्डप्रेस का यूज कर लीजिए। देखिए वर्डप्रेस का यूज करके इस तरह के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जस्ट कुछ दिन पहले ही क्रिएट किया हूँ, 5 से 7 दिनों पहले। उसके बाद सेव थीम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखने के बाद सेव थीम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सेव थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो अपडेट हुआ है नहीं हुआ, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से शो करता है। तो ये आपने देखिए यहाँ पे वीडियो भी शो करने लगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ से चेक कर चेंज कर कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे आपने जान लिया। अब उसके बाद आपको चेक करना है, ये जो शिपिंग है वर्ल्ड वाइज है, इसको रहने दीजिए, इसको कोई एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अनुकूल ही होता है। ठीक है,
अब चेंज करते हैं यहाँ पे ये चीज़, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज कैसे करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ तो रहने देना है, बस यहाँ पे जो अदर चीज़ डाला हुआ है इसको कैसे चेंज करते हैं ये जान लेते हैं। ये देखिए मैंने दो लेवल बनाया था, लैपटॉप वॉच यहाँ पे शो करने लगा, यहाँ पे सोया कार्ट अभी भी शो कर रहा है, मेरा अपना साइट का लोगो शो करना चाहिए तो वो मैं शो करवा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद लेआउट पर क्लिक करना है, सेम जहाँ से मैंने एडिट किया हुआ था तो वहीं पर जाना है, ठीक है। नीचे की तरफ स्वाइप कीजिए, उसके बाद नीचे की तरफ स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपका एक आता है जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पीएनजी लिखा हुआ है, डॉट पीएनजी, दैट्स इट। यहाँ पे डाला, यहाँ पे डालना है आपको क्या, अपने जो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे देखिए, मैं जो सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, ये PNG डॉट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक अपना इमेज का URL डालना है, जो लोकेशन है अपना इमेज का वो डालिए। डालने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे शो कर जाता है, ठीक है। तो मैं आपको डालकर बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको अपना लोगो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो लगाने के लिए सिंपल सा करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक लोगो लगा रखा है इस वेबसाइट पे, तो यही लोगो को मैं कॉपी करके डालना चाहता हूँ। तो इस वाले लोगो पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जब क्लिक करोगे एक आपका ऑप्शन दिखेगा कॉपी इमेज एड्रेस, तो क्लिक कर दीजिए कॉपी इमेज एड्रेस पे। उसके बाद ये इमेज एड्रेस आपका कॉपी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ये आपका सारा चीज़ें पेस्ट हो गया, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बाकी अगर टेक्स्ट एडिट करना चाहते तो वहाँ पे टेक्स्ट का भी ऑप्शन था, वो सारी चीज़ें हो जाता, ठीक है। बट आपको मैं रेफ्रेश करके देख ले रहा हूँ कि ये आपका मेरा आया ही है, नहीं आया नीचे, ठीक है। तो क्योंकि रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अगर आ गया होगा तो बेटर है, नहीं आया होगा तो मैं फिर से चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा लोगो अपडेट हो चुका है, बट अगर ये वाली चीज़ें हैं इसको एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन था लोगो के नीचे, तो वहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ यहाँ पर है लिंक, ये चीज़ें और ये चीज़ें कैसे चेंज करते ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है फिर से, फिर से आने के बाद ये लिंक पे जो क्लिक है ना, लिंक वाले, लिंक चेंज कर लेते हैं पहले, तो लिंक वाले पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपका कोई भी FAQ है तो यहाँ पे लिंक जो मिलेगा इस लिंक को डिलीट कीजिए और अपने लिंक को डाल दीजिए। तो मेरे को लिंक डालना नहीं, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अबाउट अस में क्या करना है, अबाउट अस में यहाँ पर क्लिक कीजिए, हटाइए और हैशटैग यहाँ पे मैं डाल के सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी सेम सीन हो रही है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कीजिए, यहाँ पे हैशटैग डालिए, सेव कीजिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए। मैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लाइमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जहाँ से आपको मैं क्रिएट करना सिखाऊँगा। तो ये चीज़ हो गया, ये लिंक मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरा फॉलोअर्स का, तो जो फॉलोअर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ें फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स का जो ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको फॉलोअर्स पे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोअर्स पर जब क्लिक करोगे ये वाली ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम, लिंकडिन, उसके बाद जो भी ट्विटर व्यूटर सारा चीज़ का ऑप्शन है। तो आपने हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे क्लिक करना है, जो लिंक, और उसके बाद आई के बाद यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी के वजह से। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको सेपरेट वीडियो या लाइव आकर सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस पे आपको क्लिक कीजिए, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस को चेक कर लेते हैं।
तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो एड्रेस शो कर रहा है उसके बाद हेड ऑफिस शो कर रहा है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस की जगह पे देखिए यहाँ पे एड्रेस क्या है, हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस रहने दीजिए, हेड ऑफिस आपको रखना है। बाकी आपको यहाँ पे जो एड्रेस है इस एड्रेस को चेंज करना है, तो 64 लिखा हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना है 64। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, उसके बाद ये यहाँ पे हरियाणा डाल देता हूँ। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है, तो मेल टू ईमेल आईडी पे मैं डाल देता हूँ सपोर्ट एट द, मैं अपना डोमेन नेम डाल देता हूँ, ऑनलाइन बाजार .co.in ये मैं डाल दिया। सपोर्ट में भी सेम चीज़ है, सेम इसी को मैं कॉपी करूँगा, मैं अपना डोमेन को और देन पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, .com को हटाइए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आता है फ़ोन नंबर 2, तो मेरे को नंबर ऐड नहीं करना, जो है सो रहने देते हैं। बाकी अगर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर लीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, उसके बाद आपको रेफ्रेश पे क्लिक करेंगे, जैसे भी रेफ्रेश क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी यहाँ से ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे सपोर्ट एट द ऑनलाइन बाजार .co.in आ गया, यहाँ पे मैंने एड्रेस जो डाला था वो सारी चीज़ें आ गया, हरियाणा ये सारी चीज़ें आ गया। बट अगर आप और चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपको वो रखने देना है। बाकी अगर ये लिंक जो है ना कैसे हटाते हैं ये जानना है, तो आपको इस पर भी एक सिंपल सा वीडियो बनाऊँगा, छोटा सा वीडियो बनाकर इसको अपलोड कर दूँगा ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। बाकी अगर कोई भी यहाँ पे मैंने बहुत ऐसा चीज़ है जो चीज़ मैं आपको नहीं बताया, बट आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे ज्वाइन हो जाइएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगा कि कहाँ पर इस पूरी तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूँ ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ अपडेट ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।